सभी भाइयों को भाई संजय कैथल की ओर से राम राम, राम राम भाई अंकित, राम राम भाई एप्पी, राम राम भाई साहब अंकित भारद्वाज दुमसी, बढ़िया भाई जीते अपनी सुनाओ और ठीक ठाक परिवार। अरे राम राम भाई बाबे, मारी कैथल की जान है भाई बाबा। और ठीक ठाक परिवार, भाई अंकित तारे वर्गे भाई अंकित है भाई, राम राम भाई जी नरेंद्र शेरावत, बढ़िया भाई जी नरेंद्र जी। और ठीक ठाक परिवार भाई साहब, मनदीप भाई जी राम राम, बढ़िया जी अपनी सुनाओ कैसे हो। आवाज़ ठीक से आ रही है भाई साहब? योगेश कौशिक राम राम भाई जी, जय श्री राम भाई जी, बबन यदुवंशी, बढ़िया भाई जी पम्मी सीमार, सुनील जुड़ चुके अपने साथ बाबल थाना से। और ठीक ठाक भाई सुनील, राम राम भाई सुनील, सगा टूर्नामेंट सुना भाई, अच्छा टूर्नामेंट था सगा, पहुंच नहीं पाए थे भाई साहब। राम राम भाई विक्की जांगड़ा, भाई जी नरेंद्र शेरावत, 6 प्लेयरों का गेम है जो, वो बढ़िया गेम है भाई साहब और बढ़िया रहेगा। राम राम भाई नवीन कुमार, जितेंद्र भाई साहब इतनी राम राम क्या करें भाई, सारे भाई इधर राम राम तो लेनी है, देनी पड़े भाई। भाई साहब अंकित हमारी साइड कैथल डिस्ट्रिक्ट और ये नरवाना कुरुक्षेत्र और फिर इस साइड आ जाओ, थोड़ा इस साइड का टच लग गया जो नरवाना के पास है, वहाँ भी अपर हैंड ही खेलते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडर हैंड का स्टार्ट करें सभी और टूर्नामेंट भी अंडर हैंड के हो।
हाँ जी, सोमवीर राणा जी शास्त्री टीम की, जो शास्त्री की टीम है यूपी से, बहुत ही अच्छा खेलते हैं शास्त्री भाई साहब भी, और सेट भी बहुत अच्छा है। भाई जीते हमारी साइड थर्ड बॉल सिंपल खेलते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, और जो आगे टूर्नामेंट भी होगी, और जो काफ़ी टूर्नामेंट हुई भी हैं वो सभी अंडर एंड की हुई हैं, थर्ड बॉल अंडर एंड की, और हम कोशिश करते हैं कि और भी जो टूर्नामेंट होगी वो थर्ड बॉल अंडर एंड की होगी। विपिन भाई जी राम राम। भाई साहब हमारी साइड अपर एंड ही खेलते हैं विपिन भाई साहब मोस्टली, ये जो कैथल डिस्ट्रिक्ट होगी या कुरुक्षेत्र होगी या नरवाना हो गया पास में, फिर नरवाना से हिसार साइड पे जाओगे आप लुधियाणी, और ये साइड को आगे जो भी हिसार रूट पे आगे जो भी टीमें सभी अपर एंड ही खेलती हैं। भाई साहब कोशिश कर रहे हैं कि सभी अंडर एंड खेलें, और सभी जो ये गेम अपना वॉलीबॉल एक ही रूल से बहुत ही अच्छा लगेगा, एक ही रूल से अगर सभी जगह गेम हो तो, और सभी जगह ऐसे ही गेम चले तो। पम्मी सीमार भाई साहब, दया अबर के भाइयों की, योगेश कौशिक भाई जी, सीनू और भूंडू के बारे में दो शब्द। भाई जी सीनू और भूंडू अपने टीम के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं भाई, अब भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जितनी उनके बारे में कहे इतनी कम है भाई साहब, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छा गेम भी खेलते थे भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, रमेश शर्मा जी जयपुर से, राम राम भाई साहब। भाई अंकित, मेरा यादगार टूर्नामेंट, काफ़ी टूर्नामेंट हैं जो पंजाब में खेले थे, एक रात में हमने दो टूर्नामेंट निकाली थी, वो मेरी मानसा डिस्ट्रिक्ट में, वो मेरा यादगार टूर्नामेंट था भाई साहब। राम राम भाई अनु डुल, ये भी हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं भाई, बड़सीगिरी से, बहुत ही अच्छी टीम थी बड़सीगिरी की। बानी है भाई निंदा मूठे में लगा दिव्यांश सिरावत। हाँ जी भाई साहब, नीरज सिरावत बहुत अच्छा खिलाड़ी है भाई, हम काफ़ी बार खेले हैं नीरज भाई के साथ, अच्छा खेलते हैं भाई साहब। हाँ जी अंकित भाई है जो, वो भी भाई बेस्ट है, अब बहुत ही अच्छे गेम दिखाते हैं और बहुत ही टूर्नामेंट जीतते हैं, बहुत ही, और स्वभाव के भी बहुत अच्छे हैं, बोलने का तरीका और बात करने का, इज्जत भी बहुत करते हैं खिलाड़ियों की, छोटे की बड़ी की सबकी, बहुत ही अच्छे इंसान है भाई साहब, और बहुत ही जितनी बोले इतने कम है अंकित भाई के बारे में, तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई साहब। भाई जी मोनी जींद के बारे में, भाई मोनी जींद भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, बहुत ही अच्छे जंप लेके शॉट लगाते हैं। अमरजीत फौजी राम राम भाई साहब,
राम राम, राम राम रमेश शर्मा जी। भाई साहब अपनी साइड कोरोना के अभी तो बहुत ही फर्क है, यहाँ अपनी साइड नहीं कोई मिले, बाकी कोरोना के बारे में तो ये भी सेफ्टी रखो, सभी जितना उसके सभी भाई सेफ रहें। हाँ भाई जी, जीते भाई हमने कैथल में टूर्नामेंट कराई है, काफ़ी बढ़िया कराई है, बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट कराई है हमने, सभी भाई आई भी, टीम भी काफ़ी आई थी, सभी को अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया था हमने, रेंट का भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया था भाई जीते, अब भी करवाते थोड़ा सा ये कोरोना की वजह से। भाई दिव्यांश सरावत भाई जी, चिराग दिल्ली की टीम बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही नामी टीम हुई है, अब उसके कुछ खिलाड़ी हैं भाई आपस में जो जैसे अंकित जोन के साथ खेलते हैं, दो तीन नीटा हो गया, एक दो भाई और खेलते हैं, नीरज भाई हो गया, अब तो अंकित के साथ ही आते हैं, अब तो उनका सेट रहा नहीं खुद का अच्छा, बाकी बहुत ही अच्छा सेट रहा, फुल जितना बोल रहे इतना ही कम है, बहुत ही अच्छा नाम हुआ भाई साहब चिराग दिल्ली का, बहुत ही नाम सुना हमने, खेले भी हैं भाई। शीटू जींद से हैं जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, ओ स्मैशिंग के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और शूटिंग बॉल वाल की शूटिंग वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई शीटू भाई अपने जींद से, बहुत ही अच्छे शॉट लगाते हैं। भाई जी अंकित के बारे में बोल रहा, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है अंकित, अंकित अब भी और पहले भी जब मैंने देखा है, जब से अंकित जब यहाँ दिल्ली साइड में गया हूँ तो मैंने अंकित का नाम सुना है, कुछ खेले भी है भाई काफ़ी टूर्नामेंट उनके साथ, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, सेट भी बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छे इंसान है। सोनी संधु राम राम भाई साहब, राम राम, और ठीक ठाक परिवार भाई साहब, राम राम भारत सरदाना गुज्जर, राम राम भाई साहब। बबन यदुवंशी भाई साहब, मैं कैथल से खेलता हूँ। बजिंदर फोगाट राम राम भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। भाई जी अंशुल रादौर शास्त्री यूपी जो अब खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई साहब, यूपी की शान है भाई साहब। मित्ता राम राम भाई साहब, मित्ते बढ़िया भाई मित्ते। भाई अनूप डुल आज की टाइम में सबसे बेस्ट खिलाड़ी अपनी राय में हम ही हैं भाई, हम अपने आप को कभी कमज़ोर समझते नहीं हैं, सबसे बेस्ट हम ही हैं। हाँ जी दिव्यांश सिरावत, हाँ जी भाई जी चिराग दिल्ली के बेस्ट प्लेयर चकदे और सीनू हैं, हाँ बहुत अच्छा खेलते हैं भाई, चकदे भाई भी बहुत अच्छा खेलते हैं, सीनू भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बेस्ट खिलाड़ी है भाई दोनों। रोहित लोचब बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ कैसे हो। जिन स्टेडियम में आएंगे भाई साहब, थोड़ा सा कोरोना का सेफ्टी जरूरी है रखनी। अंकित जोन राम राम भाई साहब, राम राम बढ़िया भाई साहब, अपनी सुनाओ कैसे हो। मनी गंगस राम राम भाई साहब, काला जाट बढ़िया भाई जी,
राम राम भाई। पुनीत त्याग, बढ़िया भाई जी। दिमाग शेरावत, हाँ जी भाई साहब, दिमाग शेरावत अंकित धोन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, फिर ये अकेले का गेम नहीं है भाई साहब, टीम के साथ ही गेम अच्छा लगता है और टीम के साथ ही जीतते हैं, अकेला ना जिता सकता ना हरा सकता, अकेले का नहीं है भाई साहब ये तो, छः का तो छः, सात हो तो सात, सभी के साथ ही मेल जोल से खेला जाता है और तभी जीत मिलती है भाई साहब। सोनी संधू, बढ़िया अम्बी भाई साहब। हाँ जी दिव्यांश शेरावत, बढ़िया खिलाड़ी हैं भाई साहब, अच्छा खेलते हैं अंकित भाई, बढ़िया सेट है भाई। भाई साहब चंद्र वर्ष कर लेते हैं टाइम पास। रमेश शर्मा जी, ये जो हमारी साइड तो अपर हैंड खेलते हैं, यह दिल्ली साइड हो गया और ये काफ़ी अंडर हैंड खेलते हैं भाई साहब, ये फॉर्मेट तो ये अच्छा रहेगा कि थर्ड बॉल अंडर हैंड हो और जो एक पट्टी वाला गेम है ये दिल्ली साइड हो गया, एक इस साइड ज़्यादा खेलते हैं, ये जो टोचन होता है हमारे ज़्यादा टोचन खेलते हैं, जो दिल्ली साइड हो गया पट्टी नेट ने क्रॉस करवानी होती है, इसके बारे में थोड़ी ही अगर ये तो सिंपल कर देना, नेट की उठाई हुई जो जैसे टोचन बाल होगी उसको नेट उठाए और सिंपल कहीं भी दे दो उठा के सिंपल। बाकी थर्ड बॉल अंडर हैंड। राम राम भाई, रम कुमार, अक्षय रेड्डू, राम राम भाई साहब, पुनीत भाई जी, बढ़िया जी। और अंकित भाई, फैमिली में सब ठीक ठाक? पुनीत भाई हंसना अच्छा है और मुंडा मुंह रख के क्या करना है, खुशी रहना चाहिए इंसान को। अरुण दैया, बढ़िया भाई जी, आप सुनाओ कैसे हो। दिमाग शेरावत, अंकित जोन पर 5 लाख का मैच भी खेल लेंगे, कोई टीम हो तो बताना भाई जी। कोई नहीं भाई साहब, सभी टीमें इसमें अच्छे से अच्छे और सभी देख रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, कोई नहीं अगर होगा तो कोई लगा लेगा अपने आप। भाई बाबा कैथल के बारे में, बाबा कैथल तो भाई जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है, बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई, बहुत टीम को एकजुट भी रखते हैं, बहुत ही ठंडे स्वभाव के हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं भाई साहब बाबा कैथल जो, बहुत ही अच्छे हैं, हमारी जान है भाई कैथल की। भाई रमन कुमार, राजस्थान जयपुर टीम भी हम खेले हैं और देखी भी है, बहुत ही अच्छे हैं भाई, कमल जयपुर की जो टीम है बहुत ही बढ़िया सेट है भाई, सभी जो पूरी की पूरी टीम है बहुत ही अच्छा खेलती हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई, बहुत ही सुंदर टीम है भाई, बहुत बढ़िया ठंडे स्वभाव के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं सभी। मित्ता बबलदाना भाई बहुत अच्छे इंसान है ये भी, मित्ता बबलदाना जो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट करवाते हैं ये भी बबलदाना में, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई सुनील जाट।
गगन यादव। बढ़िया भाई जी, अपनी सुनाओ। नरेश रावत। राम राम जी भाई साहब। ओम प्रकाश मोहन। बढ़िया भाई जी, अपनी सुनाओ, कैसे हो। प्रवीण भाई भी, प्रवीण कश्यप है जो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है वो भी। विक्रम सिंह महला, ये सरसा से हैं भाई, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इनका भी सेट बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा गेम खेलते थे, बहुत ही बढ़िया पंचायती सेट था इनका। राम राम भाई साहब। विक्रम, रकीब गुज्जर। राम राम भाई साहब। बढ़िया भाई साहब, अपनी सुनाओ। दिव्यांश रावत, धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू भाई। प्रवीण, हाँ भाई काले बाबा बेस्ट प्लेयर है, बहुत ही अच्छा खेलता है भाई बाबा। दिव्यांश रावत भाई, दानवीर भाई के बारे में बताओ। दानवीर भाई बहुत ही अच्छे हैं भाई, बहुत ही अच्छे खेलते हैं और टीम को भी एकजुट रखते हैं और ठंडे स्वभाव के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं भाई। हाँ भाई गुनीत सियाग, बादल जींद की शान है भाई, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं भाई। बादल भाई भी हैं जो टांग में प्रॉब्लम होने की वजह से फिर भी बहुत अच्छा खेलते हैं भाई, जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम है भाई बादल भाई की। बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, भाई बादल। हाँ भाई विक्रम सिंह महला, विक्रम कौर ही बोला भाई मैंने, करनाल में, करनाल के पास ही है। किशन जोन, राम राम भाई साहब। दिव्यांश रावत, मंचल भाई, मंचल भाई भाई बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, बहुत ही अच्छे फोर्स है मंचल के हाथों में, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई मंचल भाई भी। आप नजफगढ़ के साथ खेलते हैं, बहुत ही अच्छा सेट है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई जी, पूरा सेट बहुत अच्छा है। नेटमैन भी बहुत अच्छा है, छोटी सी उम्र का है, बहुत ही अच्छा खेलता है लड़का भाई। ओम प्रकाश मोहन भाई साहब, आजकल बस कर रहे हैं टाइम पास घर पे ही। थैंक यू भाई साहब। दिव्यांश रावत, सुरेंद्र मलिक भाई, रवि बहादुरगढ़ बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा फोर्स है भाई। पंजाब में भी खेले हैं हम उनके साथ और यहाँ भी खेले हैं हरियाणा में, रिवाड़ी, सब जगह खेले हैं भाई, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं भाई। किशन जोन, किशन जोन भाई बाला की टीम को बेस्ट कैसे क्यों जो बताना भाई। बाला समझ नहीं आया भाई साहब, किशन जोन बाला कौन सी टीम बोल रहे हैं आप। कौन से आग,
चल अंकल हैं भाई, जो एज के भी बहुत हैं, वह 60 के पास लग गए हैं और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छा खेलते हैं। अब भी एज में भी बहुत अच्छा खेलते हैं भाई, और बच्चों को भी, युवाओं को भी, सभी को जागरूक भी करते हैं और टीम को आगे बढ़ाते हैं, आगे के खेलने के लिए सभी को जागरूक करते हैं। बहुत ही अच्छे हैं भाई। नरेंद्र सरावत है भाई, बहुत अच्छा खेलते हैं। दिव्यांश सरावत थल में खेलते हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई, बहुत ही अच्छे हैं, हंसमुख बंदे हैं भाई, हर टाइम हंसते ही रहते हैं, बढ़िया खेलते हैं भाई। विशाल मान भाई बढ़िया भाई, अपनी सुनाओ कैसे हो। विक्रम भाई, भाइयों की दया भाई, ओम प्रकाश जी जरूर आएंगे भाई साहब। बंटी सुडाना नजर में काफी खिलाड़ी हैं भाई, एक नहीं है स्कोर। राजेश हो गया भाई खेड़ी से, बाबा माधुरगढ़ से, काफ़ी हैं भाई साहब, काफ़ी हैं। भाई सुरेंद्र मलिक, हरियाणा में ड्रैंड की काफ़ी टीमें हैं जो अच्छी हैं, एक टीम नहीं है, बहुत ही टीमें हैं जो बहुत अच्छा खेलती हैं। दिव्यांश राव थैंक यू भाई साहब। भाई कृष्ण जोन मैंने देखी नहीं भाई, असंध के पास जो बाला की टीम है कैसी है, नई टूर्नामेंट में अच्छा खेलते होगी भाई, अच्छी टीम होगी, बाकी मुझे तो कभी देखी नहीं भाई। उन्नीसियाग भाई, अजय और राजेश बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, ये भी एज के हिसाब से बहुत ही अच्छा खेलते हैं और पहले भी बहुत अच्छा खेलते थे भाई साहब। जींद को उठाने में राजेश भाई, अजय, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है भाई। प्रदीप मल्लिक भाई जींद से, राम राम भाई साहब, बहुत अच्छा खेलते हैं थर्ड में, बहुत ही अच्छा फोर्स है भाई, बहुत ही अच्छे शॉट लगाते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है भाई। सुरेंद्र मलिक भाई साहब, हाँ बूंदू बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। चलो आपको कोई बेस्ट लगता होगा, किसी को कोई बेस्ट लगता है, बाकी बहुत अच्छा खिलाड़ी है भाई, बहुत अच्छा खेलते हैं, ये नहीं कह सकते भाई कम है किसी से, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं भाई बूंदू भाई है जो। जग्गा भाटी राम राम भाई जी भाई। पुनीत प्रदीप भाई का फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही फोर्स की बाल लगाते हैं थर्ड से, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई पुनीत। विपिन गुज्जर राम राम भाई साहब बढ़िया भाई जी, अपनी सुनाओ कैसे हो।
किशन जॉन अच्छा, ओके ओके ना, बढ़िया टीम है भाई साहब, ध्यान में थी, ध्यान में नहीं थी मेरे भाई। हाँ, सेमीफाइनल में हार गए थे, क्वार्टर फाइनल में क्वाड की टीम से। हाँ याद आ गई भाई साहब, अच्छी टीम है भाई, अच्छा खेलते हैं। मैं तो पहली बार देखी थी भाई टीम, बहुत ही अच्छी टीम है भाई, अच्छा खेलते हैं भाई। भाई शास्त्री भाई हैं जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और टीम को एक साथ लेके चलते हैं सब, और टीम का भी एकजुट रखते हैं, सभी जगह खेलने जाते हैं, सभी फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं भाई साहब। बहुत ही अच्छा सेट है शास्त्री भाई जी का, और शास्त्री भाई जी भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं भाई। पुनित चाहक भाई, नवीन रिधाणा, जींद की भाई शान है जो नेट है, नवीन भाई है, बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी हैं भाई, बहुत ही अच्छे नेटर है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई, जितनी तारीफ़ की जाए इतनी कम है भाई नवीन के बारे में, बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं भाई जी। राम राम भाई साहब, कुंवरपाल सक्सेना, विशाल मान भाई, विशाल मान देखते हैं कब टाइम मिलेगा, जब खेलेंगे भी। अभय प्रताप ठाकुर भाई, पिंटू बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हैं भाई, पिंटू भाई भी बहुत ही नामी खिलाड़ी रहे हैं पिंटू भाई। यमुनानगर का सेट की तो हम जितनी भी तारीफ़ करें इतनी कम है, बहुत ही नन्ना भाई का सेट था जो, बहुत ही अच्छा सेट था भाई, पूरा जहाँ भी खेलने गए हैं मोस्टली जीत के ही आए हैं भाई। यमुनानगर के बारे में तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे भाई, इतना अच्छा सेट था भाई। भाई जीता बलोट भी बहुत ही अच्छे इंसान है, और जो गेम के आगे बढ़ाने में विपिन भाई हैं, और नीरज सरावत है, नरेंद्र, और ये जीता भाई हो गए सांपला से, हो गए एक भाई नाम नहीं ध्यान मारे भाई, कई भाई हैं गेम को आगे बढ़ाने में बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, इन भाइयों का साथ दें भाई, मैं तो यही बोलता हूँ, और इस गेम को आगे लेके जाएं। कुंवरपाल सक्सेना बढ़िया भाई, कुंवरपाल सक्सेना आप सुनाओ कैसे हो। राम राम भाई, नवीन कुमार बढ़िया भाई, नवीन कुमार आप सुनाओ कैसे हो। नवीन कुमार है भाई, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई अपने। अजय गुलिया भाई, खेडमान सिंह की टीम सारी बहुत ही अच्छा खेलती है भाई जी। राज भाई हो गया, उससे पहले रज्जी भाई और खेलते थे भाई। सभी टीम बढ़िया खेलती है, सभी खिलाड़ी अच्छे हैं भाई खेडमान सिंह के। गोविंद त्री भाई, गोल्डी के पास बल है, वहाँ से हो क्या आप? नहीं भाई जी, मैं कैथल से हूँ। गोविंद त्री हाँ भाई, विशाल मान यही बोला मैंने भी।
राहुल भाई, राम राम भाई जी, राहुल सैनी, सोहन सिंह, राम राम भाई साहब, सतीश चंदू, थैंक यू भाई साहब, हाँ अच्छे खिलाड़ी हैं भाई पुनीत, नवीन भाई बता दिया मैंने, अच्छे खिलाड़ी हैं। विशाल मान, कोई नहीं भाई साहब, हम ले गए वहाँ से फाइनल, या आप ले गए की बात है, कोई नहीं, आगे से आप ले जे, आप ले जाना भाई। कोई नहीं, आप जीते या हम जीते की बात है भाई, हम जीत गए थे फाइनल वहाँ से, अगली बार आप जीत जाना। हाँ भाई पुनीत बढ़िया खिलाड़ी हैं पबजी के भी, नवीन भाई हैं जो। सभी फॉर्मेट में अच्छे हैं भाई नवीन भाई। भाई कामराज डुंडुआ बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है भाई, कामराज डुंडुआ भी, कामराज अपने फौजी भाई हैं, डुंडुआ की शान है भाई वो भी, और खेलते भी बहुत अच्छा है भाई। भाई रमन कुमार टूर्नामेंट में पहली बात तो जो बाहर से दूर से टीम आती है अच्छी टीम में, उनको रेंट की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए भाई साहब, और एक खाने का, और एक जो ग्राउंड है उनका, और मैच करवाने का टाइम टू टाइम, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है भाई टूर्नामेंट को सफल बनाने में। टाई के साथ मैच हो और खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई, और लाइट का प्रबंध, निष्पक्ष गेम होनी चाहिए भाई साहब। आप ही अच्छी हो जाएगी भाई साहब फिर टूर्नामेंट तो। जय धोन, नीरज चिराग दिल्ली के बारे में भाई, नीरज भाई बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हैं भाई, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई साहब, चिराग दिल्ली में खेलते थे पहले, अब अंकित भाई के साथ खेलते हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं भाई। पुनीत भाई हैं भाई, ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं, वॉली भी, पबजी भी, सभी फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं पुनीत भाई भी, बहुत ही अच्छे हैं भाई पुनीत भाई ये जो। हाँ जी भाई साहब शाम को खेल लेते हैं, सोन सिंह, सुधीर खत्री भाई साहब, अंकित पथेड़ी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान भी हैं, और बहुत
टीम को एकजुट करके रखते हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई। जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है भाई अंकित भाई के बारे में। भाई नीरज भाई के बारे में बहुत ही अच्छा खेलते हैं भाई नीरज भाई। पहले चिराग दिल्ली में खेलते थे, अब तो अंकित भाई के साथ ही खेलते हैं मोस्टली। अच्छा खेलते हैं भाई। राम राम भाई बादल, अपनी जिंदगी शाना भाई बादल भाई हैं जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। एज भी बहुत हो गई है और भाई जी के पाँव में भी टांग में भी दिक्कत है, उसके बाद भी बहुत अच्छा खेलते हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया भाई। जितना बोले उतने ही कम भाई बादल भाई के बारे में, बहुत ही अच्छे इंसान भी है, खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं भाई। भाई जयदीप आप भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, और भाई बूंडू भाई हैं जो वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई जी, बेस्ट खिलाड़ी है भाई। सुखविंदर सिंह राम राम भाई साहब, राम राम। नवीन भाई जयदीप चुराना बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, बहुत अच्छा खेलते हैं जयदीप भी, हम खेले हैं काफ़ी बार भाई जयदीप के साथ भी, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं भाई। आप भी बहुत अच्छा खेलते हो भाई नवीन, मैंने देखा भाई साहब मैच भी लगोगे एक दो बार अपने। बादल भाई पुनीत बादल सभी फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं भाई पुनीत। भाई रमन कुमार ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। हाँ अपनी साइड भाई साहब ये रूल नहीं है, टीम आने का ही रूल नहीं है, क्योंकि टीम ही आती है 8-9-10 बजे लग तो इंट्री लेते हैं, ये रूल है पंजाब की साइड, वो लेते हैं दूर से आने वाले की 2 बजे तक, जो अपने पास की है उसकी 12 बजे तक, उसके बाद कोई इंट्री नहीं, सीधी पर्चियाँ डाल देते हैं टाई, टाई डालने के बाद वो 10-11-12 बजे लग लास्ट है, 10-11-12 बस फाइनल करवा के अपना ख़त्म कर देते हैं पूरी टूर्नामेंट, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं भाई। भाई जी रमन कुमार अपनी साइड तो टीम ही का नहीं पता, क्या पता 10 बजे टीम आए पहला राउंड की भी, तब भी इंट्री ले लेते हैं, रूल नहीं है भाई अपनी साइड। भाई जयदवन नवीन भाई सोनपत से हैं, हम बोल दिया बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं, ड्रॉपिंग भी और सब फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं भाई, मैंने खेलते हुए देखा भाई जी को, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, बहुत ही अच्छा। सोनपत की जान है भाई, विक्की भाई, नवीन भाई, राम राम भाई जी, बजिंद्र फोगाट, राम राम भाई साहब। भाई पुनीत ड्रॉप में भी बहुत अच्छे हैं, सभी फॉर्मेट में बादल भाई बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत ही अच्छे हैं भाई।
रमेश शर्मा मान गए भाई साहब, मान गए। लो भाई 5 लाख के जो मैच लगाने वाला बोल रहा था भाई साहब, वो रमेश शर्मा ने उसको जवाब दे दिया भाई साहब ने। हाँ भाई बजिंदर फोगाट, अंकित भाई, जीता भाई की जितनी तारीफ की जाए इसके बारे में तो बहुत ही कम है भाई साहब। जो सभी भाइयों को लाइव लेके आ रहे हैं, अपने दिल की बातें एक दूसरे को शेयर करने का मौका मिल रहा है, सभी भाइयों को से बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत ही अच्छा काम किया भाई जीता भाई ने और अंकित भाई ने, बहुत ही बढ़िया भाई। सभी भाइयों को भाई राम राम। सभी भाइयों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा और एक दूसरे के बारे में अच्छे से जाना, और जो मेरे दिल में थी बातें वो मैंने भी शेयर की है। हाँ जी नवीन भाई साहब, बालोट की टीम बहुत ही अच्छी टीम है भाई, पंचायती टीम फॉर्मेट में बहुत ही अच्छा सेट है भाई बालोट का। ओपन में भी पंचायती सेट लेके जाते हैं जीता भाई है, जो काफ़ी बार मैंने देखा है बहुत ही अच्छे मैच लगाते हैं भाई पंचायती सेट होने के बावजूद भी, ओपन के सेटों के साथ बहुत ही अच्छा सेट है भाई जी। हाँ भाई जीते भाई, जसबीर भाई करोड़ का सेट था जो, जसबीर भाई जी बहुत अच्छा खेलते थे भाई, उसके बाद वो आर्मी में लग गए थे, अब भी अच्छा खेलते हैं, जब भी आते हैं छुट्टियों में खेलते हैं एक दो टूर्नामेंट, अच्छे खिलाड़ी हैं भाई जी। काला, उसके बाद काला भाई जी कुराड़ से, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, कुराड़ की टीम को आगे ले जाने में दोनों भाइयों का, जसवीर और काला का बहुत ही योगदान रहे भाई। शमशेरा भाई बूढ़ा खेड़ा से, वो भी बहुत अच्छे है भाई, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। Thank you.
रमेश शर्मा जी, जीता भाई जी, नवीन भाई जी हैं, सभी भाई देख रहे हैं। भाई जी ये जो थर्ड बॉल अंडर हैंड होती है ना, एक तो ये रूल हो गया और जो ये कानी टच होती है, जो टोचन बॉल बोल देते हैं जिसको हम हमारी साइड इसको मार भी सकते हैं, या तो ये थर्ड बॉल सिंपल होनी चाहिए, जो जैसे टोचन बॉल होगी उसको नेट पीछे उठा दे और वो सिंपल उठा के कहीं भी दे दो। जो नेट का होता है ना, नेट ने भाई अगर टोचन बॉल पे थोड़ा नेट ने हाथ लगा दिया तो उसी ने क्रॉस करानी। इसके बारे में कुछ है भाई साहब, बताओ कुछ इसके बारे में, सभी भाई जी हैं। राजेश सांगवान, राम राम भाई साहब, और ठीक ठाक परिवार भाई साहब। जैसे हमारे कैथल साइड हो गया भाई, कुरुक्षेत्र साइड हो गया, ये आगे लाडुआ साइड हो गया, ये नहीं खेलते भाई, जो करने का इशार साइड हो गया। जैसे कानी टच बॉल नेट हाथ लगाता तो नेट ने क्रॉस करवानी होती है, उसके बारे में बताएं भाई साहब, सभी भाई जी हैं, आप सीनियर खिलाड़ी भी हैं। रमेश शर्मा जी, ओके भाई जीते, चलो बढ़िया भाई जी, देख लियो जैसे भी अच्छा लगे सभी को। रमेश शर्मा जी हैं, सभी भाई हैं, नवीन भाई हैं, नरेंद्र सरावत है, सभी भाई हैं जो इसके बारे में बता सकते हैं भाई कैसे फॉर्मेट ठीक रहेगा, क्यों भाई साहब यहाँ इस साइड तो खेलते नहीं है ये। इससे बढ़िया तो मुझे तो मेरी राय में तो ये लगता है भाई, जीते भाई जो टोचन बॉल होती है उसको नेट पीछे उठा दे और आराम से अंडर हैंड करो या अपर हैंड करो, उसको सिंपल करो, उस कराए भाई साहब सिंपल दे उठा के। हाँ जी रमेश शर्मा जी, ये बात आपकी बहुत ही अच्छी लगी भाई साहब, सही बात है जी। बाल आउट की टीम में तो सभी युवा बच्चे हैं और इज्जत भी करते हैं बड़ों का, सीनियर का, सभी का, और डिसिप्लिन में भी रहते हैं, जीता भाई जी जैसे बोलते हैं उसी के साथ चलते हैं। नहीं बहुत अच्छा सेट है भाई साहब और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं सभी भाई, और सेट भी अच्छा है भाई बाल आउट का। भाई जी नवीन जी, आपकी साइड तो खेलते हैं ये जो टोचन बॉल होती है भाई, नेट नहीं क्रॉस करनी चाहिए, ये जो ये कब मैंने बोला है, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, लाडवा हो गया, ये यूपी साइड जा लगे हम, इस साइड से कैथल हो गया भाई साहब, फिर नरवाना हो गया, फिर यहाँ से इशार साइड चलो, ये जैसे सिंपल क्रॉस खेलते हैं, इसको सिंपल क्रॉस में बदल के, सिंपल क्रॉस को बदल के इसको थर्ड बॉल अंडर हैंड कर दी जाए सभी जगह, एक तो सबसे बेस्ट बात ये रहेगी। और दूसरी बात ये जो नेट का होता है ना, नेट नहीं क्रॉस करवानी होती इसका, तो एक अच्छा नहीं लगता भाई साहब थोड़ा ये इस बॉल को, तो अगर थर्ड बॉल जैसे टोचन बॉल होगी ये, इसको सिंपल क्रॉस ही करा दे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई साहब, मेरी तो यही राय भाई साहब सभी भाइयों से।
समझ नहीं आया भाई साहब कैसे बोल रहे हो नवीन भाई, विदाउट टोचन या सीधी नेट में लगाते हैं, वो भी नेट इन्हें क्रॉस करनी चाहिए, ये बोल रहे हो क्या आप? भाई अंकित, जो ये टोचन बाल होती है ना, इसको जैसे नेट में लगाई हुई है, इसको पट्टी वाली कटने वाली जो बाल होती है उसको नेट नहीं क्रॉस करवानी होती है, उसके बारे में पूछ रहे थे सभी से। जैसे कि हमारी शेड नहीं खेलते हैं, यहाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट होगी, कुरुक्षेत्र होगी, लाडवा होगी, पल्ली शेड, यूपी शेड चले जाओ, यमुनानगर, सब पूरा एरिया आ गया, उस शेड हो गया, फिर इस शेड पंजाब में भी नहीं है, अब थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है एक आधी टूर्नामेंट में, और ये इस साइड आ जाओ, इशार साइड आ जाओ, यहाँ भी नहीं है ये रूल। इसके बारे में बोल रहे थे कि ये जैसे अपर हैंड खेल दें, इसका तो अंडर हैंड कर दो सभी, और जो ये कानी टच वाली बॉल होती है, जैसे नेट नहीं क्रॉस करवानी होती है, इसको ये कर दो कि नेट उठा दे और सिंपल क्रॉस कर दे, अपर हैंड करो या अंडर हैंड करो, वो आपकी जैसे भी अच्छा लगे, अंडर हैंड कर दी हो या अंडर हैंड, दोनों में कैसे भी क्रॉस करो, सिंपल दो उठा के। ओके भाई जी, नवीन जी सभी भाइयों को राम राम भाई साहब, सभी भाइयों ने इतना टाइम दिया, जीता भाई ने मुझे आगे लाइव पे आने का मौका दिया, धन्यवाद जीते भाई जी, सभी भाइयों से बात हुई, सवाल जवाब हुए, बहुत अच्छा लगा। अरुण दैया, हाँ जी भाई साहब, यही पूछ रहे हैं सभी भाई, जैसे कि एक तो हाइट का, नेट की हाइट का सेम कर लो सभी जगह, और एक जो भी ये रूल हैं सभी, अगर एकजुट होकर सभी की डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे दो दो तीन तीन एक एक दो दो जैसे भी खिलाड़ी लेके उनसे बात करके बैठ के, हाँ भाई ऐसे ऐसे जैसे भी ठीक रहे उस हिसाब से कर दो, बहुत ही अच्छे गेम होंगे भाई, सभी जगह अच्छा भी लगेगा, एक ही रूल में खेलते, कहीं कितनी हाइट होती है, कहीं कितने बड़े ग्राउंड होते हैं, कहीं कुछ रूल भी तो अलग होते हैं भाई सब, अगर एक फॉर्मेट हो सभी जगह तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा खेलते हुए।
थैंक यू भाई साहब रमेश शर्मा जी। जितेंद्र धून भाई जी, विक्की भाई जी की टीम बहुत ही अच्छी टीम है भाई साहब, बहुत ही अच्छा सेट है, सभी टीम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं सभी टीम के, सोनभद्र की टीम के जो भी हैं, अच्छा सेट है भाई साहब। विक्की भाई भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान, अच्छे खिलाड़ी हैं। धन्यवाद भाई सभी भाइयों को। ओके बाय भाई साहब सभी भाइयों को।